वेलकम टू आर के कंस्ट्रक्शन। आर के कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्लान हमारा 15x60 का है, जो कि ईस्ट फेसिंग का है। ये हमारे विनय द्विवेदी हैं, उनका मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस पे नक्शा बनाइए, तो मैं उसको बना रहा हूँ। ये 2 फ्लोर का प्लान है, जिसमें कि ये पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। ईस्ट फेसिंग का ये प्लॉट है। नीचे की तरफ से एक बेडरूम है, बड़ा लिविंग है, पोर्टिको है, एक वॉशरूम है, और ऊपर ही चलेंगे तो एक कह लीजिए कि फैमिली बालकनी है। फिर उसके बाद जो है 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम हैं, दोनों अटैच हैं और दोनों ड्रेसिंग के साथ हैं। तो समझते हैं हम लोग इसका प्लान। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही 2-1.5 सारी प्लान देखने के लिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर नया जो है वीडियो बना सकता हूँ उस प्लान पे। और प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कैसा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। अच्छा दे रहा हूँ तब भी, बुरा दे रहा हूँ तब भी, क्योंकि बहुत समय लगता है इस नक्शे को बनाने में, और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ईजीली अवेलेबल करा दूँ। तो चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को। पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर में आते हैं। ग्राउंड फ्लोर में एंट्री हमारी यहाँ से होगी, जहाँ पे पोर्टिको है। पोर्टिको हमारा 14 फुट 2 इंची बाई 17 फुट का है, और इधर ही से हम लोग ने जीना चढ़ाया है, जो कि क्लॉकवाइज चढ़ रहा है, है ऊपर चढ़ जाएगा क्लॉकवाइज। और ये अंदर की तरफ से एक कॉरिडोर है जो कि 5 फीट का है। वहाँ से हम लोग आते हैं तो पहले हम लोग को दरवाज़ा मिलता है लिविंग रूम का, जो कि लिविंग रूम हमारा 14 फुट 2 इंची बाई 15 फुट का है। क्वाइट बड़ा है लिविंग रूम। वहाँ पर हम लोग अपनी डाइनिंग टेबल भी रखे हैं और साथ में सोफ़ा भी रखे हैं, आराम से हम लोग वहाँ बैठ के बैठकी कर सकते हैं। और किचन ही उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है, जो कि अग्निकोण दिशा होती है। 8 फुट 9 इंची बाई 7 फुट का हमारा किचन है। किचन अग्निकोण दिशा में है, और आप लोग ईस्ट की तरफ स्टोव रख के उसका सारा जो वास्तु अकॉर्डिंग होता है वहाँ पे ईस्ट की तरफ स्टोव रखा जाएगा, जो कि एकदम सामने रहेगा, जहाँ पर खिड़की लगी है, जिससे वेंटिलेशन हो जाएगा। और जो है साउथ के डायरेक्शन में अपनी किचन है। फिर उसके बाद वहीं चलते हैं तो फिर यहाँ पर कॉरिडोर आता है 5 फीट का, और ये वॉशरूम है। यहाँ आप चाहें तो महमान यहाँ से वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं 9x4 का। और साथ के साथ यहाँ से आते हैं तो हम लोग इस गैलरी से तो बेडरूम मिलता है, जो कि 14 फुट 2 इंची बाई 10 फुट का है, 10.5 फुट का। उधर ही से कमरे से भी हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग को एक ड्रेसिंग रूम मिलेगा। ड्रेसिंग रूम हमारा 5x4 का होगा। उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग रूम से सीधे हम लोग वॉशरूम में जा सकते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग अब नहा धो के निकले तो यहीं पे ड्रेसिंग रूम में हम लोग चेंज हो गए, चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग अपने बेडरूम में जा सकते हैं। और इधर OTS दे रखा है, जो कि OTS हमारा यहाँ पे 5x4.5 का ये भी है। और जो है इसका जो साइज़ रहेगा, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, आराम से यहाँ पर कपड़े वपड़े धो सकते हो। इस चीज़ के लिए ये एरिया बनाया गया है। तो नीचे ये एक बेडरूम है, ये OTS एक तो वेंटिलेशन का भी काम करेगा, और लिविंग रूम है, और ये इसके बाद पोर्टिको है। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ आते ही हम लोग एक बड़ी सी बालकनी पाएंगे, जो कि 14 फुट 2 इंची बाई 13x14 फुट 2 इंची की है, तो क्वाइट बड़ी है। तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग चाहे तो सोफ़ा वोफ़ा रख सकते हैं, जैसे कि मतलब बहुत ख़ास नहीं है, आपके मित्र या आपके दोस्त आए हैं तो उनको अंदर नहीं रखना चाहते, आप आराम से बालकनी में यहाँ सोफ़ा वोफ़ा लगा के आराम से बैठ सकते हैं, बैठकी कर सकते हैं। उसके बाद सीधे ही नीचे से करके उसको बाहर के लिए भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ से मैंने डोर दे दिया है, आप जो डोर खोल के आएंगे तो गैलरी मिलेगी आपको 4.5 फुट की। यहाँ आपका बेड रहेगा, बेडरूम है ये पहला वाला, जो कि 9 फुट 8 इंची बाई 14 फुट 8 इंची का है। बड़ा बेडरूम है, डिसेंट है। उसी के से अंदर अटैच एक डोर लगा हुआ है, जो कि 5x4.5 का एक ड्रेसिंग रूम मिल रहा है आपको। और उसी ड्रेसिंग रूम से अंदर आते हुए वॉशरूम है। ड्रेसिंग रूम का काम यही है कि आप वहाँ पर चेंजिंग वेंजिंग कर सकते हैं, आप अपना सामान वामान वार्डरोब बनवा सकते हैं, आराम से वहीं पर चेंज करके अंदर आ सकते हैं। फिर यही गैलरी से आते हुए यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा OTS मिल जाएगा, जो कि वेंटिलेशन का काम करेगा हमारे इस वॉशरूम के लिए। और वही गैलरी से सीधे अंदर आते हैं तो एक और बेडरूम मिलता है, जो कि 14 फुट 2 इंच बाई 10 फुट 6 इंची का है। इसमें भी हम लोग ने ड्रेसिंग दे रखा है, ड्रेसिंग दे के 9x4 का वॉशरूम इनके लिए भी एक बना हुआ है। और रही बात वेंटिलेशन की, तो यहाँ पे OTS बना हुआ है, जो कि
उससे हम लोग का वेंटिलेशन चालू रहेगा। इस बेडरूम के लिए सामने से वेंटिलेशन हो ही जा रहा है, तो ये फुल्ली वेंटिलेटेड आपका मकान रहेगा, जैसे कि आपके तीनों तरफ मकान बन गए हों। और तीनों तरफ मकान बन जाने के बाद बालकनी वालकनी हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत होती है, तो ये छोटा ओटीएस देने से, ओपन टू स्काई देने से रोशनी वोशनी जो है प्रॉपर रहेगी। फिर यही हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे। ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए, तो यहाँ पास हम लोग सामान रखने की जगह वगैरह बना सकते हैं, यहाँ सामान वामान रखा जा सकता है। फिर ये जो आप छोटा छोटा छेद देख रहे हैं, ये मम्टी का डिज़ाइन है। सामने की तरफ से एलिवेशन रहेगा, यहाँ पास आप अपना वाटर टैंक रख सकते हैं, है ना। और ये मम्टी की डिज़ाइन है, और ये पीछे की तरफ आपको फुल्ली पूरा जो है टेरेस एरिया मिल जाएगा। और ये एक ओटीएस है जो कि यहाँ वाला था, और ये नीचे से वाले के ऊपर तक ये वाला ओटीएस चल रहा है। तो ये दो जगह हम लोग अपना खोल सकते हैं। और अगर पानी की ढलान की बात होगी, तो एक तो सीधे यहाँ मम्टी से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा पानी, जो डाउन पाइप जाएगा। हम लोग यहाँ से पूरी डक्टिंग उतार सकते हैं उसके पानी की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो, ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को मेरे कुछ चाहिए हो बिल्डिंग के पर्पज़ से, एज अ कंसल्टेंट मैं आपको पूरी मदद करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिक्कत देती हैं, क्या नहीं दिक्कत देती हैं। और अगर आपको नया नक्शा बनवाना हो अपने मन मुताबिक, तो मुझसे आप, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई नक्शा बनवा सकते हो अपने मन मुताबिक। तो गाइज, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू।